है यहाँ पर जो प्राइजेक्शन आप देख रहे हैं ना ये रिटेलर्स को एलिमिनेट करने के लिए है रिटेलर्स तब एलिमिनेट किए जाते हैं किसी प्राइस से किसी भी भाव से तब निकाले जाते हैं छोटे खरीदार जब वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशन बना रहे लिक्विड शेयर्स को मैक्सिमम नंबर में इंस्टीट्यूशंस होल्ड करना चाहते हों तो वो नहीं चाहते कि रिटेलर्स कोई भी तरह की अपने पोर्टफोलियो में इस प्राइस को इस शेयर को होल्ड करें तो वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं लाइक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज वाले पी एम एस भी आप म्यूचुअल फंड्स देख रहे हैं ये एफ आई आई डी आई के जितने भी आप देखेंगे यूनिट्स वो सारे इसी तरह के स्ट्रक्चर पर ख़रीदारी करते हैं और ये बिल्कुल क्लियर दिखता है जैसे अगर आप देखें तो आप क्या देखेंगे पहले खरीदारी का जो दायरा है जो जोन है वो आप यहाँ से देख रहे हैं कि प्राइस 255 से लेकर 430 मतलब लगभग लगभग 180 पॉइंट की एक जोन में ख़रीदारी हुई और ये समय तक हुई अगर आप और पीछे जाएँ तो एक समय तक हुई ये लगभग लगभग आप पाए पाएंगे कि 2012 से लेकर और 2016 तक हुई ठीक है इसके बाद इस खरीदारी से इतने समय तक आपने ख़रीदा तो बाजार में शेयर्स की कमी रह गई फिर भी रिटेलर ख़रीदना चाहे तो वो ऑर्डर लगा रहा है लेकिन सामने आप बेचने को तैयार नहीं है एज़ अ इंस्टीट्यूशन इस क्योंकि आप किए हैं आपने चार पाँच साल खरीदारी की है आपके एक्मलेशन का प्रभाव ये हुआ कि जब रिटेलर ख़रीदना चाह रहा है तो प्राइस ऊपर जा रहा है तो थोड़ी बहुत बिकवाली में रिटेलर से रिटेलर्स के शेयर एक्सचेंज हो रहे हैं और प्राइस चलते हुए आगे बढ़ रहा है प्राइस ने उसके बाद हाई लगा दिया एक का जब प्राइस इतना आपको रिटर्न दे गया तब इंस्टीट्यूशंस ने अपनी टोटल खरीदारी का पाँच या दस परसेंट हिस्सा वहाँ पर बेचा इससे क्या हुआ रिटेलर्स में पैनिक आया छोटे ख़रीदारों में पैनिक आया जिन्होंने इस रैली के बीच में 600, 700, 800 पे ख़रीदारी की या तो वो अपने प्राइस को कॉस्ट पर काट कर निकल गए या फिर लॉस में जो उन्होंने लॉस सोच रखे थे कि इतना नीचे आएगा तो बेच दूंगा वो करके निकल गए जब प्राइस नीचे आया तो कुछ खरीदार ऐसे थे जिनके पास समय का अभाव था वो ऐसा लेना नहीं जानते लॉस लेना नहीं जानते चीज़ों को होल्ड कर लेते हैं लेकिन समय का अभाव था पैसा एक सर्टन समय के लिए था कि दो से तीन साल रख सकते हैं इससे ज़्यादा नहीं तो जब गिरावट हुई तो उन्होंने बेचा नहीं लेकिन जब गिरावट के बाद फिर प्राइस दोबारा चला नहीं दोबारा कंसोलिडेशन में चला गया तो उन्होंने यहाँ पर बिकवाली की एक साल इंतजार करने के बाद कुछ ट्रेडर्स ने दो साल इंतजार करने के बाद ये इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स काट रहे हैं और जितना वो बेच रहे हैं वो भी इंस्टीट्यूशन में एकट कर रहे हैं ये आपको क्लियर डेटा यहाँ दिखेगा कि पिछली खरीदारी के ऊपर खरीदारी हो रही है यह जोन देखिए और यह जोन देखिए जरा पिछली खरीदारी के ऊपर का एक दायरा है ठीक है अब दोबारा से वही स्ट्रक्चर है कि इंस्टीट्यूशंस ने जितनी खुद बिकवाली की थी वो भी खरीद लिया है और उसके बाद ये दोबारा से डिमांड जनरेट होती हुई दिख रही है इस जोन के बाद जो यहाँ दिखी थी अब रिटेलर्स खरीदने की कोशिश करेंगे फिर इस रैली में तब तक प्राइस ये पिछले हाई और मुझे लगता है इसके टारगेट पहले 1100 के आसपास और इस बार ये इससे एक बड़ा हाई लगाएगा क्योंकि ये एक 2012 से लेकर अभी तक का एक पॉजिटिव कंसोल्टेशन जोन है और इसके पहले से प्राइस इस जोन में है देखिए इस रैली के बाद प्राइस सिर्फ इसी दायरे को ट्रेड कर रहा है और ये खरीदारी आपको दिख रही है पिछले तेरह सालों 13 साल की बाइंग में कितना एक्युमुलेशन हुआ होगा आप सोच नहीं सकते एक दिन में जहां एफआईआईडी आए गाइस थाउजेंड्स ऑफ करोड्स के सौदे कर रहे हैं वहां 13 सालों तक एक्युमुलेशन चलना किसी एक भाव में ये आईटीसी में हुआ था तो आईटीसी पिछले कुछ सेशंस में एक साल के अंदर डबल होते हुए दिखा आपको 14 15 सालों का कंसोलिडेशन ऐसा ही चार्ट मैं आपको बताऊं डीएलएफ का भी है अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं उसके लिए भी आपको एक वीडियो दे दूंगा डी का प्राइजेक्शन को बता दूंगा तो इसका टारगेट क्या है लगभग लगभग 1120 और इसके ऊपर ये निकलने की कोशिश करेगा तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा प्लान कर सकते हैं और अभी जो लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं वो आसानी से लीजिए ये एक हिट में आपको 800 सौ साढ़े आठ का टारगेट दे देगा बहुत जल्द दो से तीन महीने के अंदर आठ सौ साढ़े आठ आपको दिखा देगा ठीक है बहुत अच्छी खरीदारी है खरीदने की कोशिश कीजिए धन्यवाद